सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। पीसी विलंब करने का कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का उनके सरकार का भ्रष्टाचार खोजने में तमाम नए तथ्य बार बार आ जाते हैं सामने, तो इसलिए थोड़ा विलंब से आया आपके सामने। साथियों और दोस्तों, कितने सुनियोजित तरीके से पिछले कुछ वर्षों में पर्दे के पीछे देश की जनता से छिपाकर हजारों लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार देश की मोदी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इसका खुलासा आपके सामने करना चाहता हूं। और यह भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर यह घोटाला, यह भ्रष्टाचार हुआ, नियमों का बदलाव किया गया, हजारों करोड़ की टैक्स की छूट दी गई, लाखों करोड़ को कंपनियों को ठेका दिया गया, और यह सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा था। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने मुंह से, छाती से, दिमाग से जहां जहां इनका डाटा छुपा हुआ था वो सारा का सारा डाटा खींच के देश की जनता के सामने निकाल के रख दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। और आज जो मैं खुलासा करने जा रहा हूं, इसकी तो पूरी सीरीज अब चलेगी कि कितनी बड़ी घोटालेबाज पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और कितने बड़े महाभ्रष्ट सरकार हिंदुस्तान की इस समय चल रही है मोदी सरकार। मैं एक एक करके खुलासा कर रहा हूं। 33 कंपनियां ऐसी हैं जिनको 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 33 इनको पिछले 7 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ, 1 लाख करोड़ रुपए का। और इन कंपनियों ने बीजेपी को 450 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। दूसरी कैटेगरी है, 17 कंपनियां ऐसी हैं इसमें, इन 33 कंपनियों में, जिन्होंने या तो 0 टैक्स दिया है या उनको टैक्स में रिबेट मिला है, माइनस टैक्स है उनका। 6 कंपनियां ऐसी हैं, 6 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 600 करोड़ रुपए चंदा दिया है। कितना चंदा दिया है? 600 करोड़ रुपए। और इसमें एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने प्रॉफिट से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है, यानी कंपनी का जो मुनाफा है उसके मुनाफे से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। कितने बड़े हृदय की कंपनी है, देखिए। उसका बेचारे का मुनाफा ही नहीं हुआ, लेकिन मुनाफा नहीं होने के बावजूद उसने 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। दूसरी कंपनी ऐसी है, ये तो और मजेदार है, इसमें एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने मुनाफे का 93 गुना ज्यादा चंदा दिया है। एक कंपनी तो मैंने बताया जिसने अपने मुनाफे का 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है, दूसरी कंपनी ऐसी है जिसने अपने मुनाफे का 93 गुना ज्यादा, 93 टाइम्स मोर, 93 गुना ज्यादा चंदा दिया है। और 3 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने 28 करोड़ रुपए का चंदा दिया है और 0 टैक्स पे किया है, 0 टैक्स। अब मैं आपको सिलसिलेवार करके बताता हूं। एक कंपनी है भारती एयरटेल, इसने 200 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और
70,000 करोड़ रुपए का घाटा इसको हुआ है, याद रखिएगा। 2017 से 2023 तक 70,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, और घाटे के बावजूद बहादुर ने 200 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया है, और इसको टैक्स में छूट मिली है 8,200 करोड़ रुपए की। कितने इसका घाटा है? 77,000 करोड़ रुपए का। चंदा दिया है 200 करोड़ रुपए बीजेपी को, और इसको टैक्स में छूट मिली है 8,200 करोड़ रुपए की, जिसमें से कुछ छूट इसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मिली है, और बाकी छूट कैसे मिली है वो एक रहस्य का विषय है। दूसरी कंपनी है डीएलएफ, इसने 25 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और इसको टोटल घाटा जो हुआ है 130 करोड़ रुपए का हुआ है 7 वर्षों में। 7 साल में 130 करोड़ का घाटा उठाने वाली कंपनी, 25 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को देती है, और इसको टैक्स में जो छूट मिली है वो कितने की मिली है? 20 करोड़ की टैक्स की छूट मिली है। 130 करोड़ के घाटे वाली कंपनी, 20 करोड़ के टैक्स की छूट, और 25 करोड़ बीजेपी को चंदा। एक कंपनी है स्टील सेटेक इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसने 12 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, इसका कुल घाटा 150 करोड़ रुपए का है 7 साल में, और इसको टैक्स में छूट मिली है 1,60,00,000 रुपए की। और कोई कैटेगरी इसमें? इसमें नहीं, ये 3 कंपनियां हो गई थे। हाँ, ये 16 कंपनी 17 कंपनीज की लिस्ट टेक मतलब। इसमें एक कंपनी है, ये इसमें से टोटल बॉन्ड ये है ना, कंपनी है धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 115 करोड़ का बॉन्ड इन्होंने खरीदा है, बीजेपी को 24 करोड़ रुपए दिए हैं, 24 करोड़ 96 लाख रुपए दिए हैं, घाटा 299 करोड़ का हुआ है, और इन्होंने जीरो टैक्स पे किया है, जीरो टैक्स। सुनते जाइए कितना बड़ा घोटाला हुआ है। एक कंपनी है धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 115 करोड़ का इन्होंने टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, भारतीय जनता पार्टी को लगभग 25 करोड़ रुपए चंदा दिया, इस कंपनी का घाटा है 299 करोड़ रुपए, और इन्होंने मात्र 1 रुपए नहीं, जीरो, 1 रुपए भी टैक्स नहीं दिया, जीरो टैक्स दिया है 7 सालों में। पीआरएल डेवलपर्स, इन्होंने 20 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, 10 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को भेंट चढ़ाई, और इनको टैक्स में रिबेट मिला है 4.7 करोड़ रुपए का, और इस कंपनी को घाटा हुआ है 1550 करोड़ रुपए का। कितने दरिया दिली वाले लोग हैं देखिए आप। पीआरएल डेवलपर्स 20 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड इसने खरीदा, 10 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को, यानी टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड में से 50% अकेले बीजेपी को भेंट चढ़ाई, 1550 करोड़ रुपए का इसको घाटा हुआ है, और इसको टैक्स में छूट मिली है चार, माने जीरो से भी नीचे माइनस टैक्स है इसका, टैक्स रिबेट 4.7 करोड़ रुपए। इग्विया फार्मा, ये शरद रेड्डी की कंपनी है, यूजिया फार्मा, यूजिया फार्मा
ये यूजिया फार्मा लिमिटेड, ये शरद रेड्डी की कंपनी है, इसने 15 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और सारा का सारा 15 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी के भेंट चढ़ा दिया है और इसको घाटा हुआ है 7 वर्षों में 28 करोड़ का। 28 करोड़ का घाटा हुआ, 15 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, सब कुछ बीजेपी को चढ़ा दिया और इसको टैक्स में छूट मिली है 7 करोड़ 20 लाख रुपए की। इसके बाद ये माइत्रा माइत्रा एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 19 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा इसने, 19 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, 9 करोड़ 99 लाख यानी कि 10 करोड़ रुपए अकेले बीजेपी को दे दिया। इसको 7 साल में घाटा हुआ है 86 करोड़ रुपए का और इसको टैक्स में छूट मिली है 126 करोड़ रुपए। ये सारा डेटा हम आपको दे देंगे, नहीं दे देंगे के बाद ये सारा डेटा दे देंगे। अब आगे की ये तो हो चुका ना, ये कंपनी तो बोल सेटअप हो गया। ये 16 कंपनियां है, 17 कंपनियां। पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इन्होंने 10 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, 10 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया, 16,376 करोड़ रुपए का इनको लॉस हुआ है। 16,376 करोड़ रुपए का जिसको लॉस हुआ है, उसने 10 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है और 10 करोड़ का ही बॉन्ड इन्होंने खरीदा था और इन महोदय को 5,178 करोड़ 50 लाख रुपए की टैक्स की छूट मिली है, रिबेट मिला है। ओरिएंटल साउथ दिल्ली होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने 5 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, 5 के 5 करोड़ रुपए का पूरा भेंट इन्होंने बीजेपी को चढ़ाया है, 49 करोड़ रुपए इस कंपनी को 7 साल में घाटा हुआ था और इस कंपनी ने 0 टैक्स पे किया है, 0। विलेज डे नंदी प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने 5 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, पूरा का पूरा 5 करोड़ रुपए बीजेपी को दिया है और इन्होंने 0 टैक्स दिया है, इनको भी बेचारे को 48 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। कितनी दरिया दिली है आप देखते जाइए, 48 करोड़ का घाटा हुआ है, 5 करोड़ रुपए चंदा दिया है और 0 टैक्स दिया है। मैं नहीं जानता। अब बाकी काम तो ईडी और सीबीआई करेगी, आज ही पहुंचेगी सबके यहां, मेरे ख्याल से सबके यहां भी छापे पड़ने शुरू हो जाएंगे। देखिए लिस्ट जैसे ही जारी हो रही है। टकितो लीज ऑपरेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने 4 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा है, 4 के 4 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं, 167 करोड़ रुपए का घाटा इस कंपनी को हुआ है और -20 लाख यानी कि 20 लाख की टैक्स की छूट मिली है इनको। अरविंद ब्यूटी ब्रांड्स रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, 3 करोड़ रुपए का इन्होंने बॉन्ड खरीदा है, 3 करोड़ रुपए इन्होंने बीजेपी को चंदा दिया है, 11 करोड़ रुपए का इनको बेचारे को भी घाटा हुआ है और 13 करोड़ रुपए का टैक्स में छूट मिला है। एसएनएस क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड, 2 करोड़ का बॉन्ड इन्होंने खरीदा, 2 करोड़ रुपए बीजेपी को दिया, 70 लाख रुपए कुल घाटा इनको हुआ है और
10 लाख रुपए इन्होंने टैक्स दिया है। गैनन डंकरली एंड कंपनी लिमिटेड, इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा, 1.5 करोड़ रुपए टोटल बीजेपी को दे दिए, 121 करोड़ रुपए इस कंपनी को घाटा हुआ है और 42 करोड़ रुपए का टैक्स रिबेट इनको मिला है। इनॉक्स लिमिटेड, इन्होंने 1 करोड़ लिया, 1 करोड़ दिया, 283 करोड़ रुपए घाटा हुआ इनको और 17 करोड़ रुपए की टैक्स की छूट मिली। जेएनएस इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, 1 करोड़ का बॉन्ड लिया, 1 करोड़ बीजेपी को दिया, 35 करोड़ इनको घाटा हुआ है, 0 टैक्स दिया है। अरिहंत इंटरप्राइजेज लिमिटेड, 40 लाख रुपए का इन्होंने बॉन्ड खरीदा, 40 के 40 लाख रुपए बीजेपी को दे दिए और 0 टैक्स इन्होंने पे किया है और 30 लाख रुपए का इन्होंने घाटा। अब आता हूं अगली कैटेगरी में, 6 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने कुल मुनाफे से भी ज्यादा बीजेपी को दिया है। ये ज्यादा दरिया दिली वाली कंपनियां हैं, वो भी दरिया दिली उनकी सबसे ज्यादा थी, वो तो बेचारे घाटे में भी दे रहे थे बीजेपी को चंदा, और इनकी भी दरिया दिली कम नहीं है, इनको जितना मुनाफा हुआ उससे ज्यादा चंदा दिया है। ये 6 कंपनियां कौन है? क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, 410 करोड़ रुपए, ध्यान से सुनिए फिगर, ये 410 करोड़ रुपए इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। अच्छा ये दिया है, ये प्रॉफिट है ना? ये प्रॉफिट है और ये टैक्स, ये टैक्स दिया है, हाँ, 3 गुना 410, ये बीजेपी को। ठीक, ये है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, 410 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड इन्होंने खरीदा और 410 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड में इन्होंने 375 करोड़ रुपए बीजेपी को दिया है। 375 करोड़ रुपए अकेले दिया है बीजेपी को और इस कंपनी को 144 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, यानी कि 144 करोड़ का फायदा हुआ है, 375 करोड़ रुपए इन्होंने बीजेपी को फायदे से ज्यादा चंदा दिया है। एक कंपनी है मदन लाल लिमिटेड, 185 करोड़ 50 लाख का इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, 175 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया। 185 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, 175 करोड़ 48 लाख रुपए बीजेपी को चंदा दिया है, 2 करोड़ रुपए बेचारे को फायदा हुआ था कुल। देखिए दरिया दिली इनकी, 2 करोड़ का फायदा हुआ है और इन्होंने बीजेपी को 175 करोड़ रुपए का चंदा दिया है और इनको टैक्स रिबेट टैक्स की छूट मिली है 3 करोड़ 11 लाख रुपए। ये कंपनी नेक्स्ट जी नहीं नहीं प्रॉफिट से ज्यादा, अच्छा प्रॉफिट से। नेक्स्ट जी डिवाइस प्राइवेट लिमिटेड, मैंने सोचा ये कहीं गलत लिख दिया क्या, ठीक है, ये नेक्स्ट जी डिवाइस प्राइवेट लिमिटेड, 35 करोड़ का बॉन्ड इन्होंने खरीदा, 35 के 35 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दे दिया और इसका जो प्रॉफिट है वो 28 करोड़ 85 लाख रुपए, ये भी प्रॉफिट से ज्यादा चंदा दिए वो, और 14 करोड़ रुपए का इन्होंने टैक्स भी दिया है
और ऊपर वाली क्विक कंपनी ने भी 62 करोड़ रुपए का टैक्स दिया है। इन दोनों मामले में टैक्स की गड़बड़ी नहीं, ये भी मेंशन करना चाहता हूं। तथ्यों को छुपाने का कोई काम नहीं है, तथ्य पूरे साफ साफ। बीजेपी को चंदा दिया, 9 करोड़ रुपए लगभग इस कंपनी को मुनाफा हुआ और 4.69 करोड़ का इन्होंने टैक्स दिया। प्रगति इंटरप्राइजेस लिमिटेड 3.5 करोड़ का इन्होंने बॉन्ड खरीदा, 3.5 करोड़ रुपए बीजेपी को दिया, 2 लाख रुपए बेचारे का मुनाफा है, 2 लाख का मुनाफा है, 3.5 करोड़ रुपए इन्होंने चंदा दिया है और 0 टैक्स पे किया है। श्री कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 2 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, 2 करोड़ बीजेपी को चंदा दिया, 16 लाख रुपए का इनको फायदा हुआ है और 4 लाख रुपए इन्होंने टैक्स दिया है। ये कैटेगरी कोई टैक्स नहीं, रिबेट। अब एक कैटेगरी है जिनको रिबेट मिला है, छूट मिली है, उनके चंदे भी बड़े मजेदार हैं। MKG इंटरप्राइजेज लिमिटेड 192 करोड़ रुपए का इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, 26.94 करोड़ रुपए इन्होंने बीजेपी को चंदा दिया है, 60.33 करोड़ रुपए का इनको फायदा हुआ है और 10.62 करोड़ रुपए इनको टैक्स में छूट मिली है, रिबेट मिली है। पटेल हाईवे प्राइवेट लिमिटेड 1 करोड़ का इन्होंने बॉन्ड खरीदा, 1 करोड़ रुपए बीजेपी को दे दिया, 24 करोड़ रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ है और टैक्स में छूट इनको मिली है 1.53 करोड़ रुपए की। ABC इंडिया लिमिटेड 40 लाख का बॉन्ड खरीदा, 40 लाख बीजेपी को दिया, 11.85 करोड़ रुपए इनका प्रॉफिट है और 2.24 करोड़ की इनको टैक्स में छूट मिली है। अब कहां है ED, कहां है CBI, कितने मुकदमे दर्ज हुए, ये फर्जी कंपनियां कागज पे बना के 100 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल साफ साफ दिख रही है, 1000 करोड़ की, एक एक कंपनी 375 करोड़, 100 करोड़, पता नहीं कितने कितने करोड़ बीजेपी को चंदा दे रही है। कंपनियां घाटे में है उसके बावजूद चंदा दे रही है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, मोदी जी ने कहा नियम बनाऊंगा और खाऊंगा, पूरे देश से जितना जमकर हो सकेगा अपनी पार्टी के लिए भ्रष्टाचारी चंदा इकट्ठा करूंगा। अब उसके अंतिम बात पे आता हूं, वो इलेक्शन कमीशन का नियम 2017 का है ना एक्ट जो बना इनका। 2017 के पहले सभी मीडिया के मित्रों को यह जानना जरूरी है, सारी मीडिया को यह जानना जरूरी है कि यह कितना बड़ा घोटाला है और कैसे है। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को, 2017 के पहले इस देश के अंदर एक कानून था चुनाव आयोग का कि अगर पिछले 3 वर्षों में किसी कंपनी को मुनाफा हुआ है, 3 वर्षों में लगातार किसी कंपनी को मुनाफा हुआ है, तो अपने 3 वर्षों के मुनाफे का मात्र 7.5% वो चंदा दे सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा इसको, फिर से रिपीट कर देता हूं। चुनाव आयोग का नियम था, 2017 तक नियम था, अगर कोई कंपनी किसी पार्टी को चंदा देना चाहती है तो उसके ऊपर एक नियम लागू होगा कि पिछले 3 वर्षों में जितना मुनाफा आपको हुआ है अपने मुनाफे का मात्र 7.5% आप किसी पार्टी को चंदा दे सकते हैं। मतलब साफ हो गया, घाटे की कंपनी चंदा नहीं दे सकती,
मतलब साफ साफ हो गया, जितना मुनाफा है उससे कई गुना ज्यादा चंदा नहीं दे सकती। मतलब साफ हो गया, सेल कंपनियां, फर्जी कंपनियां, कागजी कंपनियां बना के किसी पार्टी को चंदा नहीं दे सकती। मतलब साफ हो गया कि भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश उस नियम में फिलहाल अगर आप सीधे तौर पे चेक के माध्यम से चंदा दे रहे हैं तो दूर दूर तक नहीं थी। अब यहां पे मोदी जी की भूमिका आती है। मोदी जी चुनाव आयोग से कहते हैं ये क्या नियम बना दिया तुमने, तो हम अपना कैसे भ्रष्टाचार करेंगे। उन्होंने 2017 में नियम बदल दिया, बोले नियम भ्रष्टाचार के लिए नियम बदलो, भाजपा की सरकार है, भाजपा का हाथ भ्रष्टाचार के साथ, इलेक्टोरल बॉन्ड का बड़ा कांड देखिए आप। इन्होंने 2017 में ये जो नियम था, ये जो प्रोविजन था, इसको बदल दिया और उस समय इलेक्शन कमीशन ने इसका विरोध किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैड ऑब्जेक्टेड टू रिमूवल ऑफ दिस प्रोविजन एंड वॉन्ट इट कुड ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ सेल कंपनीज बीइंग सेट अप फॉर द सोल पर्पस ऑफ मेकिंग डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज। ये चिंता अपनी जाहिर की थी चुनाव आयोग ने कि अगर ये रास्ता आप खोलेंगे, ये नियम बदलेंगे, तो ये रास्ता खुलेगा उन फर्जी कंपनियों के लिए जो कागजी होती हैं, जो सिर्फ पार्टियों को चंदा देने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए बनाई जाती हैं। अब मैंने पूरा आंकड़ा एक एक करके रख दिया आपके सामने। मैं चाहता हूं हिंदुस्तान की जनता को बताइए कि कैसे हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए की टैक्स की छूट देकर एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया गया है, कैसे यह बड़ा घोटाला नियमों में बदलाव करके दिया किया गया है। 2017 के पहले यह नहीं हो सकता था। यह इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल करने के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का कांड करने के लिए बीजेपी ने नियमों में बदलाव किया। आज जरा सी भी नैतिकता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, देश की महाभ्रष्ट पार्टी, मैं बार बार कहता हूं, हिंदुस्तान के आजादी के बाद से लेकर आज तक इस धरती पर सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो उस भ्रष्ट पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, बंगारू जनता पार्टी। और उस पार्टी के लोगों ने इतना बड़ा खेल, इतना बड़ा कांड किया है, ईडी तुरंत जाए उनके पास, सीबीआई तुरंत जाए उनके पास, इन कंपनियों से पूछताछ हो और बीजेपी के नेताओं से पूछताछ हो, गिरफ्तारियां हो और कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आगे का रास्ता अपनाएंगे। मैं चाहता हूं हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से बहुत सारे अच्छे वचन हैं, वो आप लोग सुन के तब आप जाए। एक अंतिम अंतिम, तेज करो भाई, प्रधानमंत्री जी धीरे नहीं बोलते, जो बात बोलते हैं तेजी से बोलते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। शुरू से करिए, सुन नहीं पाएंगे मीडिया वाले, ये काम गलत कीजिए। मोदी जी बहुत मजबूती से बोलते हैं चीजों को। चलिए यहां रुको, बंद करो यहां पे। अगर आप नहीं सुन पाए तो मैं सुना देता हूं। मोदी जी कह रहे हैं मोदी ने 3 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए और आप हैरान हो जाएंगे कि देश में कहीं कोई आंदोलन नहीं हो रहा। चलो अब आगे सुना दो। बंद कर दो। मोदी जी ने 3 लाख कंपनियां पकड़ी थी फर्जी,
ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री, सम्माननीय प्रधानमंत्री, विश्व गुरु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी आपके सामने कहा कि 3 लाख फर्जी कंपनियां उन्होंने बंद कर दी। प्रधानमंत्री जी, ये कंपनियां कौन सी हैं? ये कंपनियां कौन सी हैं जिसमें से बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिसके हम लोग जानते ही नहीं, कागजों पे बनी, आपको चंदा दे दिया। आप बताइए प्रधानमंत्री जी, क्योंकि ये आपके बयान है, 3 लाख कंपनियों को आपने बंद किया, यानी फर्जी सेल कंपनियों को आपने बंद किया, तो उन फर्जी सेल कंपनियों से आपको चंदा कैसे मिला प्रधानमंत्री जी, बताइए आप देश को। आगे एक वीडियो और दिखा दो, ये हो गया ना, एक और दिखा दीजिए। 4 करोड़ रुपए की गड्डियां जो पकड़ी गई हैं, 4.5 करोड़ की, ला उनसे अजीत सर। अभी आपने देखा होगा तमिलनाडु में 4.5 करोड़ या 5 करोड़, अभी मैं दिखा देता हूं आपको, वो गड्डी पकड़ी गई, गड्डी तमिलनाडु की पुलिस ने पकड़ा है। हाँ बस, तो उससे पूछा गया, भाई ये पैसा कहां से आया, ये गड्डियां कहां से मिली तुम्हें? बोला साहब, हम तो बीजेपी कैंडिडेट को देने जा रहे थे, दिल्ली से ये गड्डी मिली हमें, दिल्ली से ये गड्डी हमें दिल्ली से मिली, हम तो जा रहे थे। लगा दो सारी ईडी सीबीआई, अब भाजपा को एक्सपोज करो ईडी सीबीआई वालों, दिल्ली से गड्डी तमिलनाडु कैसे पहुंच रही है, उन गड्डियों का बनाओ, क्योंकि अभी तो तमिलनाडु पुलिस ने पकड़ा है, अब ईडी इसमें लगाओ, सीबीआई लगाओ, और वही गड्डियों का जैसे ईडी बनाते हो वैसे ही ईडी बना के दिखाओ। यहां मैंने देखा गुड़गांव में शायद 2-2.5 करोड़ बनाया था, तो बढ़िया से गड्डी बना के ईडी लिख दिया था, जो बीजेपी का 4.5 करोड़ पकड़ा गया है, ईडी जाओ और उसमें उसी गड्डियों को अपने हवाले लेके और ईडी लिख के दिखा दो खाली, बस बीजेपी ईडी लिख के देखो, जो मन में आया आपको लिख के दिखा दो, जो मर्जी आया आपको लिख के दिखा दो। चलिए सवाल पूछिए। बीजेपी आपको शराब एक्साइज नीति पर सवाल करके आपको घेर रही है, क्या ये उसके जवाब में आप? एकदम उसके जवाब में नहीं, उसके जवाब में आप इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला नीति लेकर क्या? एकदम नहीं, ये तो बहुत पहले से कर रहे हैं लोग भाई, उसके जवाब में कहां है? मैंने तो बता दिया 2017 में नियम बदला भाई, ये फर्जी कंपनियों से चंदा लेने का नियम तो 2017 में मोदी जी ने बदला ना, उसके जवाब में क्या? ये घोटाला तो कब से कर रहे थे, शराब नीति तो 21-22 में बनी है, ये घोटाला तो कब से कर रहे थे? और दूसरी बात ये है कि शराब घोटाला तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाजपाइयों ने किया है, अब कोई सुनना ना चाहे तो मैं क्या कर सकता हूं? शराब घोटाला चारों तरफ से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है शरद रेड्डी ने 60 करोड़ दिए, शरद रेड्डी ने 60 करोड़ दिए। अब अगर उसकी जांच ही नहीं हो रही है, अगर उस पर ईडी सीबीआई कार्रवाई नहीं कर रही है, अगर हमारे माननीय एलजी साहब विनय सक्सेना जी चिट्ठी नहीं लिख रहे हैं, तो इसमें मेरी गलती तो है नहीं, देश को तो बताना पड़ेगा कि शराब घोटाला भाजपाइयों ने किया है। मैंने देखा कुछ फोटो तो लगा रहे भाजपाई, एक एक फोटो लगाओ मोदी जी की शराब के बोतल पे और अमित शाह की और सबकी लगा के, वो उनको भी सजाओ, कर देना, नहीं तो हम लोग कर देंगे, ये सब खेल हम लोगों के साथ मत करो। सबकी जांच कीजिए। हाँ, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस 1000 करोड़ से ज्यादा इनको भी मिला था, क्या उनका भी ये घोटाला है या सिर्फ बीजेपी का घोटाला? मैं कह रहा हूँ जांच करिए ना, उनमें जांच करिए, बीजेपी ने घोटाला किया, बीजेपी की भी करिए, उनकी भी करिए, उसको घोटाला है या नहीं है, मैं ये जानना। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर उनके भी कोई किसी लोगों से ऐसे लिए उन्होंने तो उसकी भी जांच करिए, हमने कहाँ रोक रखा भाई, ईडी सीबीआई तुम्हारे पास है, उनकी भी जांच करिए। अब उसकी रणनीति तय करेंगे, लेकिन ये तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है घोटाला। बताइए आप, जो कंपनी अपने मुनाफे का 93 गुना ज्यादा चंदा दे रही है, ये तो सामान्य आदमी को भी समझ में आएगा कि ये भ्रष्टाचार है। जो कंपनी
प्रॉफिट दिखा रही है, जीरो टैक्स दे रही है, वो सैकड़ों करोड़ का चंदा दे रही है, समझ में नहीं आएगा? ये मनी ट्रेल नहीं है, ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार नहीं है? चलाइए भाई इसको, गड्डियां दिखाइए। बस इतना ही। जी एक सवाल है, बीजेपी के अंदर से है, हरियाणा में अनिल विज ने कहा है कि मुख्यमंत्री को बदलने के लिए उनको अंधेरे में रखा गया, उन्हें कुछ नहीं बताया गया, उनके साथ काम करना मुश्किल है, ये बीजेपी के अंदर से आवाज आ रही है। अरे बाप, बीजेपी के अंदर की क्या क्या बात कर रहे हैं भाई। अभी तो मैं कल एक वीडियो देख रहा था, 400 पार वाला, ये कुर्सी मार रहा है, वो कुर्सी मार रहा है, वो तमाचा मार रहा है, वो लात मार रहा है। भाजपाइयों का 400 पार चल तो रहा है, 400 कुर्सी टूट जा रही है मीटिंगों में, इतना मारपीट कर रहे हैं आपस में। संजय जी, आपको इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट टू दिस फ्रॉड एलिमेंट्स, बिकॉज़ सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कंसीडरिंग द वोट अगेंस्ट। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ईडी सीबीआई कार्रवाई क्यों नहीं करेगी, बाकी चीजों में सक्रिय रहने वाली ईडी सीबीआई इसमें कार्रवाई क्यों नहीं करेगी? ये बड़ा अजीब सवाल मुझे लगता है कि भाई जब आम आदमी पार्टी का मामला हो तो ईडी सीबीआई गामा पहलवान है, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का मामला हो तो ईडी सीबीआई दारा सिंह पहलवान है, जब कांग्रेस पार्टी का मामला हो तो ईडी सीबीआई बड़े बड़े बॉक्सरों की तरह, एक बॉक्सर तो खैर चले गए वहां से, तो ब्रजेंद्र सिंह बॉक्सर की तरह कार्रवाई करने लगती है तुरंत, कांग्रेस पार्टी का खाता सीज करना हो तो करती है कि नहीं करती है? लेकिन जब हम बीजेपी के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार उठाते हैं तो भाजपा इतना भोला बालक बन जाते, कहते कोर्ट जाइए इसके लिए। यह बड़ी अजीब बात है, और मैं हैरान होता हूं कि कई मीडिया के एंकर भी कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है तो कोर्ट जाइए। क्यों भाई कोर्ट जाए? ये घास छीलने के लिए ईडी सीबीआई बनाई है। हमारे केस में तो गामा पहलवान बन जाएंगे, बिजेंद्र सिंह बॉक्सर बन जाएंगे, दारा सिंह पहलवान बन जाएंगे, कोई उधर से मुक्का मारेगा, कोई उधर से जांच करेगा, कोई ब्रेकिंग न्यूज चलाएगा, कोई सूली पे चढ़ा देने की बात करेगा। और जब भाजपा ये मामला आएगा, कहेगा कोर्ट जाइए कार्रवाई करने के लिए, ईडी सीबीआई हमारे मामले में सिर्फ घास छीलेगी, वहां पर घास छिलवा कंपनी बन जाएगी वो। ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इस देश की जनता के पैसे से तनख्वाह मिलती है इन लोगों को। जितनी सक्रियता आप दूसरे दलों के नेताओं पर कार्रवाई करने के लिए दिखाते हैं, उतनी ही सक्रियता आपको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में दिखानी चाहिए। और यह बार बार कहना कि कोर्ट जाओ कोर्ट जाओ कोर्ट जाओ, यह दिखाता है कि बीजेपी के मामले में, बीजेपी के भ्रष्टाचार पर ये एजेंसियां निष्क्रिय रहती हैं, गजनी मोड में चली जाती हैं, सब कुछ भूल जाती हैं, विस्मृत हो जाता है बेचारे। संजय जी, इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला जो है, इसमें कानूनी पक्ष क्या है? क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड अनैतिक है, गैर कानूनी है, और इसको कानूनी कैसे आप लोग चैलेंज कर सकते हैं? उसको देखिए, उसको कानून का काम है, वो कानून डिसाइड करेगा। लेकिन जो खुलेआम आप लोगों के सामने दिख रहा है, आज तो कार्रवाई पर उसकी बात हो रही है, और कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया भाई। आप कोर्ट से कितना काम चाहते हैं? कोर्ट से आप कितना काम चाहते हैं? दिल्ली में राशन ना मिले हम कोर्ट जाएं, पानी ना मिले हम कोर्ट जाएं, बिजली ना मिले हम कोर्ट जाएं, मोहल्ला क्लिनिक का काम ना हो हम कोर्ट जाएं। कोर्ट के पास हजारों काम है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार का खुलासा इलेक्टोरल बॉन्ड देश की जनता के सामने ओपन करके कर दिया। अब आप सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कार्रवाई करने की। हर जगह कोर्ट ही क्यों कार्रवाई करे? क्या ये आप अपने घर में पांचवीं के बच्चे को दे दीजिएगा कि बेटा एक कंपनी है जो जीरो मुनाफा है उसका, और वो बीजेपी को 100 गुना ज्यादा चंदा दे रही है, ये भ्रष्टाचार है कि नहीं? पांचवीं के बच्चे से पूछ के बता दीजिए, अगर वो मना कर देगा तो बताइएगा।
तो पांचवी का बच्चा समझ सकता है और ईडी सीबीआई को ये नहीं समझ में आ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड खोलने के बाद। ठीक है, धन्यवाद।